एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अष्टमी। हाँ जी, हाँ तो तकिए लगा दो ना, जाके तकिए लगाओ। जाओ, अभी मैं शुरू किया ब्लॉग और साथ में बेडरूम के बेडशीट भी चेंज करनी थी। और पता आपको एक चीज़ मैंने मंगवाई है जो कि बहुत अच्छी है, और लोगों के लिए भी कुछ मंगवाया है जो कल आएगा, कल या परसों तक आएगा। जी आर के लिए मैंने मंगवाए हैं झबले, बहुत प्यारे आए हैं, 270 में 6। कलर वाइज भी बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं सोच रही थी अच्छे आप पहनाओ इसे। तो हम लोग यहाँ नौमी होगी कल, तो आज तो इसको मैं ये लाइट में पहना रही हूँ, लाइट कलर। मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं, कॉटन में है एक्चुअली। तो ये वाले छबले जो है ना, ये मैंने मंगाए, मैंने यहाँ पर ढूंढ रही थी, पर इतने महंगे मिल रहे थे छबले, पूछे मत। तो ये 260 में, हाँ 270 में आया है। तो फिर वैसे ये बना रही नहला धुला दूँ बच्चों को, है ना। और चाय बनती है, चाय पीते हैं। इन लोगों के लिए मैंने उत्पम रेडी किया है, लोग उत्पम खाएंगे। क्या बेटा, निकालो भैया, निकालो, उठो चलो, आप बुला रहे। का पास्ता बन रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है वैसे तो मैं कसर की सब्जी की तैयारी कर रही थी। और ये देखिए, ये जो है ना, ये इसकी ग्रेवी है पास्ता की। यहाँ पे डुबुआ जिया का खाना बन रहा है। फर्स्ट टाइम है और मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, मैंने सिर्फ इन्हें ये बताया था। हाँ बेटा, इसका इनका पास्ता कच्चा था, इन्हें जब उतार लिया था तो वो इनने किया। सो डिलीशियस। फर्स्ट टाइम हस्बैंड ने कुकिंग करी है ऐसी, ये मैंने पूरा एक प्लेट में पलटा दिया। अरे वो मेरे को बर्तन मारने पड़ेंगे, मार नहीं। मैं अभी नहा के आई हूँ, मौसम वापस से अजीब सा हो गया, टुकू भी नहा लिया है और धूप में बादल गरज रहे हैं। कर दो टुकू, अब तो पूरा दिन अजीब सा निकल रहा है क्योंकि मेरे को वैसे थोड़ा अपने आप करना शुरू करना है जिया का भी। तो मेरे लिए कम से कम ये है कि एक वो मिल रहा है। पर दिन आराम से कट गया, इतना भी नहीं है, पर हाँ खाना नहीं बना हमारा अभी तक, और इसलिए चाय वो लेंगे। सुबह मैंने उत्तम उतार दिए थे, वो खाए हैं और भूख लग रही है, तो चाय कर सकते हैं। अच्छा,
आज बाल नहीं धोए, मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ था और मेरे एकदम वो हो रहा था कि मेरे को लगा कि कल ही धोएंगे, नौमी आज ट्यूजडे भी था तो मैंने ऑयल लगा के रखा। मैंने छोटी ऐसे के ऐसे रखी, क्लच किया एंड शाल ले लिया और मैं अब लगाने वाली हूँ। कुछ नहीं लगाती ना, तो अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ तो मैं ये लगाती हूँ, ये है ब्लू हेवन की नेचुरल मैच की। मैं बहुत साल हो गए मुझे यूज़ करते करते और आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा मैं ये अब कुछ नहीं लगाती हूँ, मतलब लिपस्टिक नहीं लगा रही, तो मैं ये लगा लेती हूँ। इस तरह से रात तक बना रहेगा, फोटो पे टेंट रहता है, बहुत अच्छा ना नेचुरल कलर आता है। आई थिंक 2012-13 से यूज़ कर रही हूँ मुझे, यहाँ तक याद आता है मुझे हनीमून तक पे अपने हम लोग गए थे जब, तो ये लेके गई थी मैं रात में लगा के ऐसे रखो, तो सुबह भी ऐसा रहता है कि हमने कुछ लगा के रखा हुआ। तो मैं कई बार सुबह उठती हूँ, फेस वॉश भी कर लूँगी तो भी लगी रहेगी। मुझे इतने सारे ब्रांड्स के मैंने मेबेलिन यूज़ किया, बहुत सारे यूज़ किया, पर इसका जो रहता है नेचुरल टिंट वो आपको नहीं मिलेगा। फेस वॉश भी कर लोगे, सब कर लोगे तो एक लगे रहना चाहिए, मैंने पूरा चेहरा आपका बहुत डल्डा सा रहता है। फिर अगर हम गरम गरम चाय बनाते हैं यार, है ना, कटहल मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, अभी कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। भूख तो लग रही है पर चाय से थोड़ा सा दबेगी। वो बर्तन जो करती हैं सारे वो जा रही हैं कल छुट्टी पे, फिर 4-5 दिन की छुट्टी पे, परसों आएंगी फिर 4-5 दिन की छुट्टी पे। जो इनकी नैनी है उनकी आज छुट्टी नहीं थी, बट आज अनइनफॉर्म छुट्टी हुई, उनकी तबीयत बोली थी कि बस निकली थी तबीयत खराब, उन्हें साइटिका का पेन होता है और कहीं ना कहीं वो रीज़न है उनका काम क्विट करने का यहाँ से, कि पास नहीं देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा पड़ जाता है। और वो अब परसों नहीं आएंगी जो इनकी नैनी है, तो परसों पूरा काम वो वाली आएगी परसों, ठीक है। मुझे बर्तन वर्तन सब करके ही सोना पड़ेगा, सारा काम निपटा के ही रसोई वसोई का, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर उनकी तबीयत ऐसी खराब होगी, तो पिछली बार उनकी तबीयत खराब हुई थी वो 3-4 दिन छुट्टी पर चली गई थी इनकी नैनी, और उसके बाद फिर इन्हीं की नैनी जब वो छुट्टी पर रहेगी तो वो 22-23 से वो छुट्टी पर रहेंगी नैनी इनकी 4-5 दिन के लिए। इन लोग की लगातार छुट्टियाँ ये जो अब हफ्ता आ रहा है, और उसके बाद तो फिर उन्हें जाना ही है ना। तो मैं वही अपनी जो हाउस हेल्प है उससे कह रही थी कि एक ले आना जो मेरा काम देख ले, पर मेरे को ही लगता है वो लाएगी। क्या होता है ना अच्छी सी चाय पीने, हम लोग की चाय ऐसे क्या हो रहा है क्या। तो अब मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ, और मुझे चाय का यार मेरे को पता है शुगर छोड़नी है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं चाय में शुगर कैसे छोड़ूं। और मैंने ना इससे पहले स्टीविया लिया था, मेरे को अजीब सा टेस्ट आता उसमें सर्फ जैसा, वो मैंने मंगवाए थे बहुत सारे पर मैंने पिए नहीं और सारे डिस्कार्ड कर दिए। तो बस मेरे को शुगर क्विट करनी है अभी, जो कि मैं नहीं कर, मैं एक्स्ट्रा ऊपर से कोई शुगर नहीं खाती, बस मेरे को चाय में चाहिए होती है। तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो नहीं आ रही थी, तो मैं अभी बर्तन लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी डुगू को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ जब वॉश वगैरह कर रही हूँ, तो सीढ़ी चढ़ी मैंने पूरी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लू टाइप की चल रही है। तो पापा के साथ जा रहा था अपना, कुछ काम से वापस के जा रहे थे तो वो भी जा रहे हैं, तो वही मैं सांस फूल रहा मेरा अभी सीढ़ी से आ रही। तो यहाँ मैं फटाफट बर्तन है वो लगा रही थी, इनकी नैनी का भी नहीं पता, वो भी छुट्टी पे थी इस दिन, और वही था कि मेरे को काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और ऐसा होता है, मैं पता आपको सच बता रही हूँ, मैं ना नीचे मैं 4 सीढ़ी नहीं उतर पाती हूँ ऐसे, कि अगर मेरे को उतरनी है, अगर कोई भी हेल्प नहीं होती है बीच में तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। राजा ने पास्ता बनाया था दिन में, और पहले राजा थोड़े बहुत बर्तन कर देते थे, पर आजकल राजा नहीं करते, पता जैसे रसोई में जब से आए ना वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि दो हेल्प तो हैं, तो उनके दिमाग से एकदम निकल गया है कि थोड़ी हेल्प कर दें, पर अगर मैं बोलती हूँ तो वो कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। राजा बहुत हेल्पफुल नेचर के, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे को लगा बर्तन कर देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बर्तन करके मैं रात का खाना का जो काम है वो करूँगी, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं थोड़े निपटाती रहती हूँ। अभी मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि आज है थर्सडे, और मेरी हाउस हेल्प सारी हाउस हेल्प एक हफ्ते के लिए चली गई हैं, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है इस टाइम पे। और ये जो व्लॉग है ना, इसमें यही मैं बोल रही थी कि यार इतना सारा हो जाए, मैं उठी नहीं, मैं तो मैंने को ना नीचे ना माता रानी के दर्शन करने जाना होता है, तो मैं नहीं जा पाई। तो थोड़ा सा मम्मी जो मदर इन लॉ है ना वो बोल रही थी मुझसे, तो आपको पता है मैं सच में, आप मेरा जो शेड्यूल इस टाइम पर रूटीन देखेंगे और मैं बिल्कुल भी रो नहीं रही हूँ या मैं कोई चीज़ गा नहीं रही हूँ, पर इस टाइम मेरा शेड्यूल ऐसा है कि
मैं नहा लूं या मैं खाना भी खा लूं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। ये दिन जो था इसमें पूरा दिन मैं खाना, मैं पास्ता नहीं खाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा उनको पास्ता टेस्ट किया था कि उन्हें अच्छा लगे। मैंने खाना भी नहीं खा के रखा था, मैंने डायरेक्ट रात में खाना खाया। मैंने चाय पी थोड़े बहुत, उसके साथ बिस्किट लिए। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था क्योंकि अब पता नहीं मेरा बनाने का भी वो नहीं हुआ, बच्चों का बना दिया मैंने उपमा, और मेरे को लगा कि अपने लिए भी बना लेना चाहिए था मुझे, तो मैंने नहीं बनाया। फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, राजा ने पास्ता खा लिया। फिर मेरे को लगा अकेले के लिए क्या है, ऐसा किसके साथ होता है कि अकेला होता था, पर मन नहीं करता ना कि आज कुछ भी चाय बना लो, कुछ थोड़ा बहुत खा लो। तो यहाँ मैं फटाफट गैस साफ करी थी शाम के लिए, और पूरा मतलब रसोई मैंने क्लीन कर दी थी क्योंकि बच्चा पार्टी मेरी नीचे गई हुई थी। जब बच्चा पार्टी मेरी नीचे चली जाती है ना, तो उस टाइम पे मेरे पास काफी सारा टाइम ऐसे हो जाता है कि मैं अपना ऊपर का, उस टाइम पे भी ये नहीं कि मैं रेस्ट करूँ, मैं बाकी ये काम निपटा के फ्री हो जाती हूँ। अब चाय जो थी वो बन गई थी, मैं चाय छान लूंगी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से चाय पीऊंगी 10-15 मिनट, और फिर जाके मैं फिर से कामों में लगने वाली हूँ। तो बच्चे चले गए हैं मेरे नीचे, और अब थोड़ी देर वहाँ पे घूमेंगे, गार्डन वार्डन जाएंगे, और मौसम फिर से वैसे हो रहा है। किसके यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और डेली ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होगी, पर बहुत छारे होती हैं और वैसे बारिश होती ही नहीं। तो अभी मैं करके आ गई हूँ बर्तन, रसोई मैंने क्लीन कर दी है शाम के लिए, तो क्या अभी मैं खाना रेडी कर यूनिविक, और ये है हमारी फेवरेट नमकीन। एक बहुत मीठा है, बस एक काफ़ी रहता है अगर आपको बहुत शुगर क्रेविंग हो रही है ना, तो इतना मीठा है कि 4-5 बिस्किट के बराबर है। तो शाम में बच्चे ने कुछ कुछ खाया था, उनका डेली का हो जाता है कि कुछ ना कुछ वो फेंक देते, चाहे मुरमुरे होते हैं या चिप्स हो गए या कुछ भी खा रहे हैं, तो वो चला जाता है। और उस पर अभी लाल चीटियाँ बहुत आ रही हैं, तो मेरा डेली का एक ये है कि मैं शाम में यहाँ पे पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ। घास की क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, तो मैं आजकल इस झाड़ू से करती हूँ। इस झाड़ू से अच्छे से निकल जाता है, ऐसे कौन सा झाड़ू बोलते हैं, सीख वाली झाड़ू से। और उसके बाद जैसे मुझे एक हफ्ते में वैक्यूम चलाना होता है, तो मैं एक हफ्ते में वैक्यूम जो डस्ट है वो पूरी चली जाती है। तो यहाँ पे मेरा डेली का है ये कि बच्चे आए उससे पहले मैं ये क्लीन कर दूँ, क्योंकि वो फिर शाम में बैठेंगे यहाँ पे और फिर वो करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम पहले की जो गंदगी है वो क्लीन कर दें। तो ये मेरा डेली का है, शाम का मेरा डेली का है होता है ये कि मेरे को ये बालकनी अच्छे से क्लीन करनी होती है। अब देखिए कचरा कितना निकलने वाला है, मैं वो कचरा दिखाती हूँ, अच्छा खासा खाने का कचरा निकलता है यार यहाँ पे। घास में बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चे आराम से खा लेंगे, उनका काम हो गया। डिब्बू तो ग्रिल चाटता है पूरी, या चाट रहा उसको पल पूरे दांत में ये काला पेंट लगा हुआ था। मैं ऐसे काम क्या क्या सीखी हूँ, मैं बचपन में करती थी इसे। डेली का है इनका, डेली का कचरा तो जब से वो निकाल के पैकेट में डाल देते हैं। हाँ नकली देखो, इसमें है मुरमुरे, चिप्स, क्रेयॉन्स भी हैं, लाइक इट्स अ मिक्सचर, ये एकदम बच्चों का स्पेशल, बच्चों ने बनाया है, खा लो। अब जो मेहमान आएंगे उनके सामने सर्व करें, घास भी इसमें है। अगली बार से कभी ना आए फिर, जिनको आप चाहते हो ना आए उसके सामने सर्व करो। हेलो हेलो हेलो, अच्छी बूंदा बांदी हो रही है हल्की हल्की सी। जी वो आ गई हमारी घूमी घूमी करके, और ये खा रही है अभी इसमें जलजीला, जलजीला खा रही हूँ मैं खा रही हूँ। और इसका मैंने शाम का चेंज करा दिया, तो उसके जो बर्थडे वाले थे ना वो लगा दिए मैंने। डुगू गया था अपनी दादी के साथ मंदिर, मैंने पूजा कर ली, और ये समझ में नहीं आता यार, ये ना मैंने ना डी मार्ट से लिए थे, ये बहुत ही बेकार रग है एक्चुअली। मैं इसे कहीं बिछाती हूँ तो बच्चे फिसल जाते हैं, तो इसे मैं ना वैसे पैर वैर रखने के लिए ऐसे यूज़ करती थी, मुझे पूजा करनी है कुछ करनी है तो वहाँ पे मैं इसे यूज़ करती हूँ। बिछाती नहीं हूँ मैं इसे क्योंकि बहुत डेंजरस है यार ये, 2-3 बार डुगू फिसला है और कई बार जिया फिसलते फिसलते बची है, सोफे में क्या खा के आए। हेलो कहीं हो रहा है, आप सुंदर तो लग रही हो, आ रहा है बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, चलो आप करो बात। हेलो हाँ जिया बेटा क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो आप बताओ ना, क्या कर रहे हो, हाँ
आप जलजीरा खा रहे हो? नहीं मिलेगा ये, पता है ऊपर चढ़ के ले गई उसे। जिया इतना क्लेवर हो गई है मेरी कि उसे पता है कि चढ़ना कैसे है। पूरे ये जो डिगू करता था ना, पूरे खिलौने फेंकता था, ये पूरे खिलौने हमारे मैक्सिमम ना यहीं नीचे पड़े जाते क्योंकि फेंक देती है। लाइव एग्जांपल, नेट का कनेक्शन है, नेट बंद करती है और फोन पूरा इधर उधर, ये वाला सेक्शन हमारा पूरा आजकल जिया जो है वो खराब करती है। जिया नहीं, ओए तो वो तुम्हें लेना था, तुमने ये क्यों गिराया? इनको रखो ऐसे रखो, अरे रखने दो ना, क्यों नहीं रख सकते हम? हाय रब्बा, क्यों वो देखो नेटी बंद करती सीधा। अब देखो हेलो करेगी, ठीक है बच्चे बहुत तेज होते हैं, किसी को लगता है हम बच्चों को नहीं समझा सकते। परफेक्ट एज है उसके अभी कुछ भी समझाने की या कुछ भी उसमें हैबिट डालने की। हेलो बजाते हैं। आज मैंने ना वीडियो शेयर करी थी कि मैं क्या फील करती हूँ, और वो फीलिंग मुझे जो रीसेंट आई थी अपनी बॉडी के लिए, एंड मैं बता नहीं सकती उस वीडियो को इतना प्यार और इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं कि ये हमारी भी अभी कंडीशन है, तो वो सब चीज़ें ना हाँ तो वो सब चीज़ें देख के इतनी खुशी होती है कि यार एटलीस्ट आप जैसे भी हैं कि हाँ यार चेंज तो है, बदलाव आता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है और चेंज बहुत ज़रूरी भी होता है अपनी लाइफ में। बट जिस तरह से सब रिलेट कर रहे हैं ना, और जितनी पॉजिटिविटी, और मतलब मैं जितना नेगेटिव फील करेगी उतने ही लोग पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि चलता है और अच्छे लगते हो अभी भी, और उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और मैंने ना हाथ वॉश किया था यार, ये अलग ही नहीं हो रहा, इतना गहरा सिंदूर है। क्या सिंदूर ही नहीं अलग हो रहा है, मैं तो दो तीन बार रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ। तो मैं अपने लिए बता रही हूँ अजवाइन वाटर, और मैं अब से शुरू कर रही हूँ थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ा वेट लॉस, क्योंकि अब कम से कम 2-4 महीने हैं कि मैं खुद पर ध्यान दे दूँ, और अब अपने ऊपर ध्यान दूँगी तभी बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दे पाऊँगी। तो मैं अजवाइन वाटर बना रही हूँ, मैं रेगुलर अब दोबारा शुरू करूँगी। मैं पहले पीती थी यार, मेरा ऐसा रहा रहता है कि कभी ना पी पा रही हूँ कभी पी पा रही हूँ। तो खाना मेरा ना 7:30 बजे तक, सॉरी 8:30 बजे तक रेडी होता है, तो ये मैं अब कर रही हूँ। Thank you.
दवा तो खाना मैंने बना लिया था, मैंने बर्तन कर दिए हैं, ये दाल चावल बच गए थे मैंने रख दिए, हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया है। यहाँ पे सब्जी भी रेडी हो चुकी है और रोटियाँ मैंने बना दी है। सर के दुख रहा है, मैंने अभी चने भी भिगोए हैं, सुबह जिया की पहली कंजक है ये जिसमें वो बैठ के खाएगी। पिछली बार में बहुत छोटी थी, वो खाना नहीं खाती थी, और इस बार जिया की पहली कंजक पूजा है, तो समझ में नहीं आ रहा है यार अभी क्या। मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था, मेरा आज पूरा दिन ऐसा रहा कि मैं मूव नहीं कर पाई इधर से उधर, सिर्फ बर्तन भी करे और सब करा, सारे काम रह जा हो जाते हैं बच्चों से, और बच्चों कैसा रहता है, दोनों के स्लीपिंग शेड्यूल जो हैं वो अलग हैं, तो रात में कभी जिया जल्दी सो जाती है, कभी डुग्गू जल्दी सो जाता है। तो क्या हुआ, मदर इन लॉ का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे रेडी हो जाना एकदम, और नीचे आके मतलब कंजक पूजा है तो उसमें आ जाना। मम्मी से भी मैंने बोला कि मम्मी मैं कोशिश तो करूँगी, पर मेरे साथ ऐसा कि पक्का नहीं पता, क्योंकि जिया उठती ही 10:30 बजे के आसपास में है, और बच्चे को मैं एकदम से मैंने बोला बार मतलब अपने घर का ही है तो बच्चे तो बैठे ही रहेंगे ना 11:30-12 बजे तक। उन्होंने बोला कि यार, मैंने बोला उस मुझे ये भी नहीं पता है, हाँ बेटा उस मुझे ये भी नहीं पता है कि नैनी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो हो सकता है वो ना आए, और हाउस हेल्प का नहीं पता मुझे, हाउस हेल्प का मैंने बताया था कि छुट्टी पे, तो वो पहले तो थोड़ा गुस्सा हो रही थी कि मैं नीचे नहीं गई क्योंकि माता रानी बैठी हुई है वहाँ पर, पर आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला यार। कई बार आपको लगता है ना बहुत मतलब घर भी यहाँ पे भी देखो, और वो भी होता है कि मम्मी पापा का भी है कि मम्मी ने जितनी ही पूजा कराई है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊँ, पर यार पता हो ही नहीं पाता यार। हाँ तो ब्लाउज़ का भी करना था, मेरे पास ब्लाउज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे एक भी ब्लाउज़ नहीं आ रहे हैं। मैंने एक ग्रीन ब्लाउज़ मंगवाया था, वो मुझे ना कल परसों याद आया कि मैंने मंगवाया था, वो शायद आ जाएगा, पर उसको भी मेरे को बीच वाले रूम में देखने जाना था क्योंकि पूरे कपड़े पैक किए थे एक टाइम पे, तो वो कहाँ रखा है मुझे तो वो भी नहीं पता है। तो वही है यार, सबके पीछे पिस जाते हैं पता है आप, मैं बच्चे और पति इन लॉज अगर आपके साथ में रहते, जबकि मेरे इन लॉज तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है यार, इस उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। मम्मी आज थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, मेरे को तो रख दिया, फिर मेरे को लग रहा है कि मैं 11 बजे कैसे पहुंचूंगी। एक्चुअली मैं ना बच्चे उठते हैं मेरे थोड़ा लेट, हाँ तो दोनों बच्चों को रेडी करना, नहलाना, फिर खुद रेडी होना, मेरे को 1-1.5 घंटा उनका नाश्ता तो हालांकि बाहर नीचे ही हो जाएगा, तो वही है मेरे को, अगर मेरी नैनी इनकी नैनी नहीं आई कल तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ, और मम्मी थोड़ा गुस्सा ना हो जाए मेरे को बोल रहा है। तो मम्मी लोग पता है 9:30 बजे सो गए थे, और हम लोग का सोना ऐसा हो जाता है 1 बजे तक हो जाता है, बच्चे 11:30 सो रहे हैं तो हम भी 1-1.5 घंटा अपना टीवी देखते हैं, तो हमारा 1 बजे तक होता है सोना। नो नहीं, सच बोल रहे हैं, आई लव यू। अच्छा डुकू शक्तिमान करोगे, क्यों लग रहा है मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगी नहीं या नहीं पहुंच पाऊंगी, आप लोगों को थोड़ा ऑड भी लग रहा होगा, पर बच्चों का कोई वो नहीं होता अभी शेड्यूल इस टाइम पे, मेरे बच्चों का तो स्पेशली जिया का तो कुछ शेड्यूल नहीं है, मेरी कभी सो जाएगी तो कभी 6 बजे भी उठ जाती है वो, वहीं से ऑन कर दो, कई बार 5 बजे भी उठ जाती है वो, मतलब डिपेंड करता है, सुबह भी उठ जाती है वो, ऐसा नहीं है, कई बार 10:30 उठती है, कई बार 11 उठती है, अगर बच्चे की नींद डिस्टर्ब करना, मैंने बोला मम्मी जैसा भी रहेगा बच्चे के हिसाब से रहेगा। हाँ सभी काम तो कर लिया, बर्तन बर्तन कर लिया, गैस वैस साफ करके मैं सोऊंगी, मुझे ना एक बाथरूम भी क्लीन करना है बाहर का, तो मेरे को लग रहा है मैं अभी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बहुत उससे बाल भी नहीं धोए मैं इस चक्कर में, हो गया रहते हो कि सब लोग हैं आपके उसमें तो आपको समझ में नहीं आता। मैं तो फिर मैंने वही मेरे को लगा कि अगर मेरे को जाना होता तो मैं तो सुबह 9 बजे 8 बजे 7 बजे चली जाऊँ, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल, हम तो शाम में तो पता हम लोगों ने निकलना ही बंद कर दिया आजकल, ठीक है 7 बजे
तो हमारा लंगूर हो, नहीं लंगूर बोलते लाकड़ा बोलते हम लोग, लाकड़ा लंगूर। तुम एक लंगूर बैठोगे नौ कन्या के बीच में। जी आगे कपड़े भी निकालने वाले, मैं बताऊँ मेरे को यह है कि भैया सोए तो मैं थोड़ा काम करूँगा, हिम्मत होती है तो। मेरा तो पता नहीं सर माथा दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, तुम्हारा भी सर दुख रहा है क्या? हाँ मेरा सर क्यों दुख रहा है? मेरा सर दुख रहा है, हम लोग का साथ में दुखता है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ क्यों तो आप फ्लाइंग किस कर दो। अच्छा फ्लाइंग फ्लाइंग कोको 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 नो हाँ कोको 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 अच्छा जिया दादी दादी जिया पापा 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 नहीं बोलना ऐसे ना हो ना होगे। थोड़ा नींद आ रही है ना अभी, थोड़ा दिमाग से ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है। क्या करो बेटा के फ्रैंकिश फ्रैंकिश मम्मा कैसे होती है? मम्मा कैसे होती है? मम्मा कैसे होती है? मामा कर दो। मम्मा कैसे होती है? कैमरा मम्मा कैसे होती है? आप बनो, आपको देंगे, थोड़े बड़े हो जाओ। मम्मा कैसे रोती डुगू? मम्मा कैसे रोती? क्या क्यों बग्गे बग्गे क्या क्या बोल रहा है? बग्गे क्यों क्या बोल रहा था? नंदू नंदू बेबी है मेरा। नहीं नहीं आई बेटा तुम्हें पता, चलो नहीं नहीं आई है, नींद आई पता नींद में। अच्छा अच्छा छोटा इतना छोटा इतना छोटा किच का है ये बच्चा। I love you कर दो मामा को। बाल कैसे हो गए? किसके तेल लगा के रखा मैंने? आज मैंने ऑयल लगा के रखा पूरा। एक मिनट क्या दिखा रहा है? खत्म होने वाला है कार्ड का स्पेस। बाय बाय कर दो। बाय कर दो। ब्लैंकेट कर दो।